चलिए थाने चलिए। देखा तुमने, ये फर्क है तुम में और मेरी शकुन में। तुमने उसके साथ क्या क्या नहीं किया और उसने तुम्हारी जान बचाई। अरे लल्ला, ये 7 जन्म ले लेगी ना, फिर भी हमारी शगुन की बराबरी नहीं कर पाएगी। दे दो इसे पुलिस को। नहीं दादी, मैं इसे जेल नहीं भेजूंगा। शुभ, तू ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं बुआ, मैं इसे इसलिए जेल नहीं भेजूंगा क्योंकि धोखा इसने मेरे साथ किया है। मैंने तो अपना फर्ज निभाया है, अपने रमन सर को दिया हुआ वादा निभाया है मैंने, और मैं जिंदगी भर निभाऊंगा। योग, इसे कुछ पैसे दो और भेज दो यहां से। खत्म करो सब। सही कहती थी शकुन, हमें भगवान ने मिलाया, पापा ने मिलाया हमें। मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि मुझे तुम मिले। राधे राधे, राधे राधे। जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं योग, बहुत बड़ी गलती कर दी चीजा जी। तुमने वही किया जो एक भाई को करना चाहिए था। अरे तुम्हारी जगह मैं भी होता ना, तो मैं भी शायद यही करता। तुम गलत नहीं हो, सिर्फ वक्त गलत था। Oh,
कुछ नहीं होगा। आगे गोली शुभ सर, आपको आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम जल्दी से आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। मैं इधर देखिए, मैं इधर देखिए शुभ सर, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। अगर मेरे भैया को कुछ भी हुआ ना शगुन, तो तुम देख लेना। तुम शांति से नहीं बैठ सकती ना, मतलब तमाशा करना जरूरी है तुम्हारे लिए। आज तुम्हारे जैसे भैया का ये हाल है। आज तो तुम क्यों चुपचाप रहो? क्यों रहो चुपा? तुम और तुम्हारी बहन तो ठीक है ना? जान मेरे भैया की जा रही है। अगर इतनी चिंता थी तो कहाँ थी तुम? वहाँ घर में क्या चला? तुम्हें कुछ बता भी है? अपना ब्लेम मुझ पर मत डालो, समझे ना? चुप करो तुम दोनों, पागलों से लड़ रहे हो। यह शिव सर की इतनी बुरी हालत है, इतना खून बह रहा है। भैया जल्दी चलाओ योग। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मत, दर्द है लेकिन कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। हम हैं ना, कुछ नहीं होगा आपको। शुभ सर, शुभ सर, शुभ सर, आगे खोलिए शुभ सर। योग, योग गाड़ी जल्दी चला। शुभ सर आगे खोलिए। भैया, शुभ सर आगे खोलिए शुभ सर। शुभ सर आगे खोलिए, आगे खोलिए। आप आगे खोल के रखिए। अब आपको कुछ नहीं होगा। आपको जल्दी हॉस्पिटल लेके जाइए। गाड़ी जल्दी चला।
ताई अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना तो तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं मैं। तो फिर मेरी भी जीजा जी है वो। तुमने किया सब कुछ नफिया, तो हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर नहीं है, शांत हो जाओ। और इस तरह से बात कर रही हो तुम? ये वक्त एक दूसरे के साथ खड़े होने का है, इस तरह धमकी देने का नहीं। आप हमेशा मुझे ही क्यों बोलती, शगुन को कुछ क्यों नहीं बोलती? क्योंकि शगुन समझदार है, तुम नहीं हो। शगुन बहुरिया, बहुरिया कहाँ चली गई? बहुरिया, बहुरिया सुनो तो। मैंने आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जब भी मांगा अपने परिवार के लिए। अपने भाई के लिए मांगा, लेकिन आज आज मैं आपसे अपने लिए कुछ मांगना चाहती। आज मैं अपने लिए और अपने सुहाग के लिए कुछ मांगने आई हूँ आपसे। आप अपने भक्त को निराश नहीं कर सकते। आपको शुभ सर को ठीक करना होगा, आपको उनको ठीक करना होगा। उसके बदले चाहे आप मेरी जिंदगी ले लीजिए। ताई, मेरे शुभ सर को ठीक कर दीजिए पापा। मेरे शुभ सर को ठीक कर दीजिए।
फील हो रहा है। इंजेक्शन रेडी करो फास्ट। खून बहुत ज्यादा निकल चुका है शगुन, गोली तो निकाल ली है मगर शुभ के इंटरनल ऑर्गन्स काफी ज्यादा डैमेज हो चुके हैं। अगले 6-7 घंटे उनके लिए काफी क्रूशियल है, उन्हें कुछ भी हो सकता है। अगर तब तक उन्हें होश नहीं आया तो क्या बकवास कर रहे हैं? डॉक्टर है ना, आप काम लोगों को बचाना। अगर मेरे भैया कुछ भी हो तो मैं जान से मार डालूंगी। संभालो अपने आप को डॉक्टर। कैसे संभालो? अगर मेरे भैया कुछ भी हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। नव्या, डॉक्टर साहब, नव्या की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। देखिए, हमारे हाथ में जो था हमने वो किया, बाकी अब सब भगवान के हाथ में है। कौन से भगवान? कैसे भगवान? अगर भगवान होते तो मेरे भैया की आज की हालत नहीं होती। मुझे पापा पे पूरा भरोसा है, शुभ सर को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमें। जरूर ताई। ताई सुन तो। वो भैया, मेरे भैया कुछ नहीं होना चाहिए। वो अखंड जोत तब तक चलेगी जब तक शुभ सर ठीक नहीं हो जाते।